झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। 13 नवंबर को झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड में प्रचार अभियान शुरू होने के बाद से यहां घुसपैठ और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जबरदस्त राजनीतिक रण चल रहा है। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी झारखंड में जोर शोर से गूंज रहा है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के साथ साथ सहयोगी पार्टी पर हमला बोल रही है और इस नारे की गूंज चुनाव प्रचार में पूरे झारखंड में खूब सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में पान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं, अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों करे। लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते।